अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपको मज़ार इकबाल और आप देख रहे हैं धाक। दोस्तों आज की इस वीडियो जो है स्कैंडिनेविया की तारीख के ऊपर हमारी चौथी किस्त है। इस किस्त में हम वाइकिंग के उन हमलों की बात करेंगे जो उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर किए थे। दोस्तों पहले पहल तो ये जंगली सिर्फ स्कैंडिनेविया में ही और स्कैंडिनेविया के करीब तरीन वाले इलाकों पर लूटपाट मचाते थे, लेकिन 9वीं सदी के अवैल में ही पहली मरतबा ये लोग इंग्लैंड की तरफ जाते हैं और वहाँ लूटपाट मचाते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे उन्होंने समंदर के जरिए इंग्लैंड को दरियाफ्त किया, फिर उसके बाद उन्होंने चर्च के ऊपर हमला किया और बेदर्दी के साथ ईसाइयों का कत्लेआम किया। जब भी आप वाइकिंग के ऊपर बात करते हैं तो आपके जहन में सिर्फ यही तीन चीज़ें आती हैं, वहशत, लूटमार और बड़ी बड़ी किश्तियाँ, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी किश्तियों के जरिए सफ़र किया था इंग्लैंड का, तो इसी वजह से ये किश्तियों की वजह से भी बहुत मशहूर थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। स्कैंडिनेविया के अंदर एक बस्ती थी, वैसे तो स्कैंडिनेविया के अंदर बहुत सारी बस्तियां थी दोस्तों। इस बस्ती का नाम कैटेगेट था। वहां पर एक लड़का था जो बजायर एक किसान था, लेकिन एक जंग जो एक बहादुर, एक अक्लमंद और एक ताकतवर इंसान था, उसका नाम रैगनर लॉथब्रोक था। दोस्तों इंग्लैंड को दरियाफ्त करने में और उसको तबाह करने में इसी का हाथ था। जब इस बस्ती के लोग इंग्लैंड पर हमले के लिए जाते थे तो बस्ती में से चंद लोग 50-60 लोग वहां पर जाते थे हमले के लिए, और ये सब तारीख के मतलब वाइकिंग की तारीख में अहम तरीन लोग माने जाते हैं। सबसे पहले रैगनर लॉथब्रोक, फिर उसका दोस्त फ्लोकी जो किश्तियां बनाता था, किश्तियां बिल्डर था, और तीसरे नंबर पर है रोलो लॉथब्रोक जो रैगनर लॉथब्रोक का भाई था, और नंबर चार पर लगता है जो इस रैगनर की बीवी थी। दोस्तों ये तमाम लोग जबरदस्त फाइटर थे, जबरदस्त वॉरियर थे और लड़ाके थे। दोस्तों फ्लोकी ये समंदर सफर के लिए तीन किश्तियां बनाता है, और गर्मियों के मौसम में ये लोग इंग्लैंड पर हमले के लिए चले जाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज से कई सदियां पहले, मतलब ये 8वीं सदी के लोग थे और 9वीं सदी में जाकर इन्होंने हमले किए इंग्लैंड के ऊपर, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, और ये एक ट्रू हिस्ट्री है इन वाइकिंग की। दोस्तों ये कब्बे अपने पास रखते थे एक टेक्निक के लिए, इस ये चीज़ पता लगाने के लिए कि आया हम खुश्की के कितना दूर हैं और कितना नज़दीक हैं, इसके लिए ये कवे इस्तेमाल करते थे जब भी ये समंदर में सफ़र के लिए जाते थे, चाहे वो सफ़र दूर का था या पास का था। तो इस सफ़र पर भी ये अपने साथ कवे लेकर गए, मतलब जब इनको ये अंदाज़ा हो जाता था या ये चेक करना होता था कि हम ज़मीन के कितना दूर हैं कितना पास हैं, मतलब खुश्की के या बीचों बीच अभी हम समंदर में हैं, क्योंकि एक हफ्ते का सफ़र था, अगर एक हफ्ते का सफ़र करने के बाद भी आपको ज़मीन नहीं मिलती, क्योंकि पहली मरतबा ये इंग्लैंड में जा रहे हैं, इनको पता भी नहीं था कि ये इंग्लैंड है या नहीं है, पहली मरतबा का सफ़र था तो परेशान थे, एक हफ्ता गुजर गया कहीं ज़मीन नहीं मिल रही, तो हफ्ते बाद इन्होंने कवों को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। उनका मकसद ये होता था कि अगर कवे वापस आ जाते तो इसका मतलब था अभी भी हम समंदर में हैं, आस पास कहीं ज़मीन नहीं है, अगर कवे वापस नहीं आते तो इसका मतलब है कि कवे उड़कर ज़मीन के ऊपर चले गए। सावे रहे, हम ज़मीन पर ही बैठ सकते हैं, हम समंदर में पानी के ऊपर तो कवे नहीं बैठ सकते, तो कवे अचानक वापस नहीं आए, तो ये देखकर वो सब लोग खुश हो गए कि हम ज़मीन के आसपास ही हैं, मतलब हम खुशकी के नज़दीक आ गए हैं। नाज़रीन ज़िंदगी में पहली मरतबा वाइकिंग ने 9वीं सदी के अंदर इंग्लैंड के ऊपर धावा बोल दिया, मतलब अटैक कर दिया। इंग्लैंड में उन्होंने एक जजीरे के ऊपर अटैक किया जिसे लिंडिसफेन कहते हैं। उन्होंने ये हमला एक चर्च के ऊपर किया क्योंकि नज़दीक तीन, मतलब समंदर के नज़दीक तीन चर्च लगता था, बाकी बस्ती जो जजीरा था वो तो दूर था। बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और बहुत सारे लोगों को कैद भी कर लिया गया। दोस्तों इस हमले की खबर बाकी यूरोप में भी फैल गई और बहुत सारे मजहबी लोगों ने भी इन वहशियों के बारे में सुन रखा था, इन जंगलियों के मुतालिक सुन रखा था। दोस्तों इस जजीरे का जो बादशाह था उसका नाम किंग अहला था। लोगों ने बादशाह तक पैगाम पहुँचाया कि इस तरह के जंगली लोग थे, इतने बड़े थे, इतने वहशी थे, और यूं जो उनकी खदोखाल थी सब बताई। उन्होंने एक चर्च के ऊपर हमला किया, लोगों का कत्ले आम किया और चर्च का सारा सामान अपने साथ ले गए। ये बादशाह तक पैगाम पहुँचाया गया। दोस्तों इन्हीं कैदियों में एक पादरी भी कैद होकर आ जाता है और अपने साथ अपनी किताब बाइबल भी लेकर आ जाता है। उस आदमी का नाम एथेलस्टन था जो 30 साल का नौजवान और खूबसूरत लड़का था। दोस्तों बाकी सारे लोग एक हफ्ते के सफ़र के अंदर मर जाते हैं, लेकिन एथेलस्टन बच जाता है। कैदियों में ये जंगली वापस कैटेगेट पर आ जाते हैं और इन कैदियों को भी साथ लेकर आ जाते हैं और आकर ज़बरदस्त एक जश्न बनाते हैं। उसके बाद लूटा हुआ सारा सामान आपस में बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन रैगनर अपने हिस्से के लिए इस पादरी एथेलस्टन को चुन लेता है और अपना गुलाम बनाकर उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है और हमारी मतलब उसके साथ हौसला अफजाई होती है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।